अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं कि हम लोग देखते हैं कि डिसिप्लिन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि डिसिप्लिन क्या है। तो देखिए, डिसिप्लिन के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप कामयाबी के जीने तय कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में लोगों को पसंद आ सकते हैं, आप लोगों के फेवरेट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 रूल्स ऑफ डिसिप्लिन बताऊंगा। गाइस, इससे पहले कि हम अपना छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, ये 5 रूल्स हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बड़ा ब्रीफली बताएंगे, तफसीलन नहीं, ब्रीफली, कि याद रखें, अवॉइड 0 डे एट ऑल कॉस्ट। आपने कोई दिन अपना खाली नहीं छोड़ना, कोई दिन आपने खाली नहीं छोड़ना जिसमें आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप कामयाब हो ना हो, लोगों की नजर में आपकी इज्जत होगी। रूल नंबर 1 कि आपने अवॉइड करना है कि कोई भी आपका डे 0 जाए जिसमें आप रूल्स को फॉलो ना करें, डिसिप्लिन को फॉलो ना करें। डिसिप्लिन आपको बता चुका हूं, डिसिप्लिन आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अच्छे तरीके से ओबीडियंट रहना है, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है सीनियर्स की। कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें आपने इसको अबाइड बाई ना किया और रूल्स को, तो मैं गारंटी करता हूं आप कामयाबी मिले ना मिले, लोग आपको पसंद करेंगे, यार ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट और शहजादा बंदा है। रूल नंबर 1, कोई दिन आपने ऐसा नहीं जिसमें रूल्स को अबाइड बाई नहीं करना आपने। नंबर 2, बिकम बेस्ट फ्रेंड विद योर फ्यूचर। आपने अपने फ्यूचर का बेहतरीन दोस्त बनना है। अगर आप अपने दोस्त नहीं बनेंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कोई आपको नहीं बचाएगा। अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए याद रखें, आपने बेहतरीन दोस्त बनना है अपना। अपना कोई भी मूव आपकी है उसको आपने अपना फ्यूचर देख कर करना है कि इसका फ्यूचर में मुझे क्या असर मिलेगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। यह दूसरा रूल है। पहला रूल, 0, अवॉइड 0, आपने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें आपने रूल्स को अबाइड बाई नहीं किया। दूसरा, बिकम बेस्ट फ्रेंड अबाउट योर फ्यूचर। तीसरा है जी, रीड एवरी डे। हर रोज आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है, हर रोज कुछ ना कुछ आपने पढ़ना है। उसका क्या फायदा है? जब आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलेगा, आप में एम्पैथिसिज्म आएगा, आप नॉलेज के जरिए तरक्की हासिल करेंगे, जो भी आपका काम है उसमें आप अच्छे तरीके से मूव कर सकेंगे। एम्पैथिसिज्म के जरिए हम दर्द बनेंगे। जब आप लोगों के हमदर्द बनेंगे, लोग आपके हमदर्द बनेंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, रीड डेली, उसमें आपको नॉलेज मिलेगा, आप में एम्पैथिज्म आएगा, और तीसरा, माइंडसेट आपका और क्लियर हो जाएगा। जब इंसान का माइंडसेट क्लियर होता है ना, तो इंसान कामयाबी की तरफ चल दी जाता है, क्योंकि ये माइंड ही है जो आपको वर्किंग के लिए मजबूर करता है, ये माइंड ही है जो आपको हार्ड वर्किंग के लिए साता है और अच्छे तरीके से मूव करता है। इसलिए माइंडसेट आपका फिट होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप में नॉलेज आएगा। आप डेली पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको इल्म आएगा। ये 3 रूल्स हो गए जी। अब चौथा रूल है आपके पास, मूव योर बॉडी डेली। याद रखें, किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, कामयाबी की तरफ जाना है, हार्ड वर्किंग करनी है, उसके लिए आपको आपकी बॉडी फिट होना जरूरी है। एनी टाइम फिट। आप लोगों ने सुना हुआ है तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। क्या 1000 नेमत है? तंदुरुस्ती कैसे हासिल करें? तंदुरुस्ती के लिए सिंपल फार्मूला है, कोई इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं जाता। आज की हद तक सिर्फ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। हर मजहब में बताया गया जी, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती अपनी बॉडी को फिट रखें, और कब फिट होगा इंसान? जब वो एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, और उसके बाद याद रखें, एवरी सिंगल एरिया आपने हार्डवर्किंग के लिए मूव करना है, तो आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए।
इसलिए डेली आपने अपनी बॉडी को मूव करना है। ये चार रूल्स हो गए। अवॉइड जीरो डे, बिकम बेस्ट अबाउट योर फ्यूचर। नंबर थ्री पे रीड एवरी डे। नंबर चार पे बॉडी को डेली मूव करना है आपने। नंबर पांच पे चेंज द वे दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में जैसा सोचते हो अगर तो अच्छा सोचते हो तो इसको और इंप्रूव करो, और अगर आप अपने बारे में कुछ भी लो स्टैंडर्ड सोचते हो तो इसको चेंज करो, इसको अच्छा बनाओ, इसको एक पैशन के साथ आगे सोचो कि मैं ये कर सकता हूं। उसके लिए क्या होगा, होशो आवास के साथ आपने सोचना है अपने बारे में कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। ये तभी होगा जब आपकी बॉडी फिट होगी, आप डेली रीड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, अपने फ्यूचर के बारे में बेहतरीन सोच रहे होंगे। जब आप जीरो डे आप छोड़ेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने काम ना किया हो, तब आपके साथ ये होगा कि आप अपने बारे में बेहतरीन सोचेंगे, होशोवाद के साथ बेहतरी के लिए सोचना है। ठीक है गाइज, ये पांच रूल्स थे हमारे पास। अगर आप इन पांच रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप में डिसिप्लिन को अबाइड बाई करने का और जज्बा आएगा, आपके प्रिंसिपल और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी हैबिट्स और स्ट्रांग हो जाएंगी, और हैबिट स्ट्रांग होगी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। जब पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी तो आप में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगी जिससे आप कमाई की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइज, अगली वीडियो तक मुबशर नकवी को इजाजत दे। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।